सरकार ने किया युवाओं को कॉपी किताब और कलम छोड़कर आंदोलन करने के लिए मजबूर। मानसून सत्र में भर्ती घोटाले और बेरोजगारी के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। कोरोना के दौरान ऑक्सीजन दवाई व इलाज नहीं मिलने से हुई मौतों पर सरकार से मांगेंगे जवाब। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि एक के बाद एक सामने आ रहे पेपर लीक घोटालों ने युवाओं को कॉपी किताब और कलम छोड़कर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। उनकी आवाज को विधानसभा के मॉनसून सत्र में पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। सत्र शुरू होने से पहले 19 तारीख को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। इसमें उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जिन पर प्रदेश की जनता सरकार से जवाब चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि सेशन लंबा चले, लेकिन सरकार की नीयत लंबा सेशन चलाने की नहीं लगती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि कांग्रेस विधानसभा में बेरोजगारी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी, क्योंकि आज हरियाणा राष्ट्रीय औसत से 4 गुना ज्यादा बेरोजगारी झेल रहा है। ऊपर से सितम ये कि सरकार युवाओं को नौकरियां देने के बजाय घोटाले करने और भर्तियां करने की बजाय भर्तियों को कैंसिल करने में लगी हुई है। इसके अलावा कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिस तरह की भयानक स्थिति का सामना प्रदेश की जनता को करना पड़ा, उस पर भी सरकार से जवाब मांगा जाएगा। सरकार ने दूसरी लहर के दौरान न सिर्फ जनता की तकलीफों से मुंह फेरा, बल्कि ऑक्सीजन दवाई और इलाज की कमी से लोगों की मौत को भी नजरअंदाज कर दिया। प्रदेश की जनता और मीडिया गवाह है कि सरकार की लापरवाही व बद इंतजाम के चलते हजारों लोगों की जान चली गई, लेकिन सरकार ने न जरूरत के वक्त और न ही मौतों के बाद कोरोना से पीड़ित परिवारों की मदद की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि करीब 9 महीने से किसान अपनी जायज मांगों को लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन प्रदेश की बीजेपी जेजेपी सरकार केंद्र से किसानों की वकालत करने की बजाय उन पर राजद्रोह की धाराओं के तहत झूठे मुकदमे दर्ज करने में लगी है। इतना ही नहीं, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने भी खेती की लागत बढ़ा दी। आसमान छूती कीमतों ने आम आदमी का बजट भी बिगाड़ कर रख दिया। ऐसे में कांग्रेस लगातार सरकार से मांग कर रही है कि कम से कम प्रदेश सरकार वैट की दरों में कमी करके प्रदेश की जनता को राहत देने का काम करे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ओलंपिक खेलों में प्रदेश के युवाओं ने शानदार प्रदर्शन किया, उन्होंने पूरी दुनिया में तिरंगे का मान बढ़ाया, इसलिए सभी खिलाड़ियों को उचित इनाम और पद देकर उन्हें सम्मानित किया जाए। स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को सेना में ऑनरेडी कर्नल पद दिया जाए। रवि दहिया, बजरंग पूनिया, हॉकी खिलाड़ियों, डीएसपी पद और प्रदेश के सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को भी उनकी उपलब्धियों के मुताबिक उच्चतम पद और सम्मान राशि दी। दलों ने इसका समर्थन किया है, विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। और जहाँ तक सवाल है हरियाणा का, जो ये लेके आए हम तो पहले लागू कर रखा है, जो हम तो पहले ये जो हरियाणा उस पर थी, पहला प्रदेश है जिसने इकोनॉमिक आधार पे भी दिया था, जिन कोई तो हमने छोड़ा नहीं, कोई छेड़ा नहीं, सबको रिजर्वेशन हुई, किसी को कम किया नहीं। इकोनॉमिक आधार से बहुत सारे बरादियों की भाइयों की जो है, जो हमारे राजपूत भाई हो चाहे पंजाबी भाई हो चाहे बनिए भाई हो, इनकी कहीं रिजर्वेशन नहीं थी। तो इकोनॉमिक आधार पे उनके बच्चों को भी हमने दी 10%। तो कोई उनकी तो रिजर्वेशन थी अलग से, तो कोई ऐसा नहीं था तो छोटा। और OBC के तो पहले ही हमारे हैं। तो बाकी अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दे रखे 50% लिमिट, उसका क्या होगा वो देखने की बात है। बाकी ठीक है सर, खिलाड़ियों का जिस तरह से अब सम्मान किया गया है, 6 करोड़ की क्लास की नौकरी है प्लॉट में भी कंसेशन के साथ, और हरियाणा का कंट्रीब्यूशन है वो 50-55% है, क्योंकि 3 मेडल तो इंडिविजुअल हैं, किस तरह से सरकार जो वेलकम कर रही है? और आप स्पोर्ट्स को लेकर हमेशा से अपने अपने टाइम से भी और अब भी लगातार, तो कोई नई बात नहीं, तो हमारे समय की नीति है। बल्कि हम तो DSP भर्ती करते थे, इन्होंने DSP जो भर्ती की उनकी प्रमोशन ही हुई और DSP भर्ती नहीं कर रहे। इसी वास्ते मैंने कहा कि जो हमारा गोल्ड मेडल लेकर है नीरज चोपड़ा, फौज में है, फौजी आदमी है मिदा साहब, उसको ऑनरेरी कर्नल बना दिए, क्यों नहीं बना दिया? उनको मेरी मांग है केंद्र सरकार से कि ऐसे उसको ऑनरेरी कर्नल बनाएं। इतने हम पूरे देश का क्या है। और जो दूसरे हैं, रवि दहिया है या पुनिया है, उनको DSP भर्ती करना चाहिए सरकार को। गलत है ना, DSP भर्ती करना चाहिए, और जो भर्ती किए हुए हमारे उनकी प्रमोशन होनी चाहिए, उनको प्रमोशन नहीं मिल रही अब तक। सरदार सिंह जैसे जैसे जो खिलाड़ी जो जिन्होंने
देश को रिक्रूट किया, हॉकी की टीम रहे, उनकी प्रमोशन रुकी हुई है। सर प्रमोशन रुकने पे एक टेक्निकल सवाल है, कई लोगों से बात होती है खिलाड़ियों से, उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में बिताया था उसको सर्विस में ऐड नहीं किया जाता है, इस वजह से प्रमोशन रुकी हुई है। अच्छा जय भगवान की बात कर लीजिए, ममता करप की बात कर लीजिए, और जो दो तीन डीएसपी भरे थे पहले भर्ती हुए, सबको प्रमोशन देनी चाहिए, सब सब जब औरों का समय हो जाता है उनको प्रोत्साहन देना चाहिए खिलाड़ी को। सर एक सवाल ये कि बात करें हरियाणा और देशीय राजनीति से, तो वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बात करें हरियाणा और देशीय राजनीति से, तो वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार विपक्षी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं, थर्ड फ्रंट की कवायद कोशिश में लगे हुए हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी हरियाणा जिसका काम है, जो मिलने आपस में मिलना मिलना तो सबका ही काम है, हमसे पता नहीं कौन कौन मिलते हैं, लेकिन लेकिन उनका स्वयं का जो है आधार बिल्कुल शून्य हो चुका है, मिलने में कोई बात नहीं। थर्ड फ्रंट का ऑप्शन सर लगता है हरियाणा के लिहाज से, क्योंकि अब इतने पार्टी, अभी देखो समय से पहले क्या बात करें, बात चलेगी तो टाइम आप। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी आप दखल देते आए हैं, परिप्रेक्ष्य की राजनीति में भी आपकी बहुत अहम जिम्मेदारी रहती है, जो सिनेरियो बन रहा है थर्ड फ्रंट को लेकर या फिर G23 को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है? G23 क्या सर, डिनर एक पार्टी हुई जो, तो यार हम रोज जाते हैं कहीं ना कहीं, अब हमारे दोस्त का कपिल सिब्बल का जन्मदिन था, उन्होंने पार्टी में बुलाया, हम गए सर, हर किस्म की चर्चाएं होती है, बड़े-बड़े नेता शामिल हुए, तो चर्चाएं होती है, तो पार्टी में शामिल नहीं। अरे जब नेता मिलते हैं तो चर्चाएं होती है, उस डिनर में बड़े बड़े नेता ऐसे शामिल हुए जो राहुल गांधी की बुलाने पर ब्रेकफास्ट पर भी नहीं आए, वो उनसे पूछो मेरे क्या पता, जिसने मेरे को बुलाया था, मेरे तो कपिल सिब्बल ने बुलाया था, हम गए। तो लगता है कि ऐसे नेताओं को जो वरिष्ठ है पार्टी में उनको वरीयता दी जानी चाहिए, या फिर वो कहीं पीछे छूट रहे हैं? कोई पीछे नहीं छूटता है, सबका अपना अपना स्थान होता है, सब अपनी बातें करते हैं, राजनीति अपने हिसाब से करवट लेती है, लेती रहेगी। कोर्ट से फंस जाती है और अब पेपर लीक। देखिए जिस प्रकार से पिछले कई सालों में हरियाणा में हरियाणा के युवाओं के भविष्य से जो खेला जा रहा है, ये कम से कम 2 दर्जन पेपर लीक हो चुके हैं, और बड़ी बड़ी नौकरियों के लिए, अभी देखो ना पुलिस के लिए या सेक्रेटरी की नौकरियां थी जिस प्रकार से हुआ, और हर बारी यही तुम्हारे, मैं तो पहले भी कहा समझ में कहा, हरियाणा में तो जो नौकरियां हैं इस तरह बेची जा रही है जैसे परचून की दुकान पे, ये लो इतना लो, और ये SS कमीशन में भी आपने देखा उनकी इंक्वायरी गई, इतने पेपर लीक हुए, लेकिन आज तक भी किसी की इंक्वायरी करके किसी को सजा ही नहीं दी है, किसी को पकड़ा ही नहीं है, बस वो हैंड वो छोड़ के अब हाथ हाथ झाड़ के बैठ जाते हैं, कोई भी गाप लगाओ कोई भी इंक्वायरी, और ये कितनी इस चीज़ की नहीं, और जो भी घोटाले हुए हैं एक के बाद एक घोटाले हुए हैं, किसी की जांच आज तक तय तक नहीं पहुंची। सर अभी मानसून सेशन आ रहा है 20 तारीख से, उसकी घोषणा को कब बैठ रहे हैं, कब चर्चा करेंगे, और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष जाएगा इस बार? नहीं मुद्दों की कोई कमी नहीं है, आपने देखा अभी किसान का मुद्दा है, ये बेरोजगारी का है, ये पेपर लीक का है, महंगाई है, और जो कानून व्यवस्था है, क्या बिल्कुल चरमरा गई, मुद्दों की कोई कमी नहीं। ये 20 तारीख से सेशन है तो 19 को हमारी CLP की मीटिंग होगी, उसमें तय करेंगे, और मुद्दों की कोई कमी नहीं। कितना लंबा सेशन चलना चाहिए? ये तो BAC की मीटिंग के बाद आप लोगों की तरफ से हम तो हमारा तो पूरा चलना चाहिए सेशन सारी करनी चाहिए, लेकिन सरकार की नीयत नहीं है चलाने की, भी लगता नहीं मेरे को, लेकिन वो तो BAC की मीटिंग में ही उठाए जाएंगे। सर एक वीडियो बड़ा प्रदेश में वायरल है कि सांसद तो भाजपा के से वत्स साहब लेकिन तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, और खुद कह रहे हैं कि भाजपा में तो काम होता नहीं है, हम तो खुद JJP कोटे से और दुष्यंत के कोटे से काम कराते हैं। खैर मैं व्यक्तिगत किसी की टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन वो कौन कहे कौन ना कहे, काम को तो किसी को नहीं, काम काम ये सरकार जो है ये तो इवेंट मैनेजमेंट सरकार बनी हुई है, कोई प्रदेश के विकास का तो कोई इनका कोई एक भी अचीवमेंट इनके पास नहीं। सर एक लोकसभा में जो बिल पास हुआ है उसमें पूरा विपक्ष भी तमाम चीजें समझ में आएगा, जो बिल पास हुआ है वो राज्यसभा में भी पेश होगा,
उसको देखकर क्या लगता है कि जब राज्यों को अधिकार मिलेगा, आप भी लंबे समय से अपने जो कार्य में अपने कार्यकाल में तमाम चीजें करने की कोशिश करते रहे थे, इससे जो स्टेट्स हैं ज्यादा एम्पावर होंगी? देखिए तो सारे जब सारे देश ने सारे